हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं हूं चीनू ठाकुर एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. ये क्लास इंग्लिश ग्रामर की है. अब आप लोग सोचेंगे कि मैम, इंग्लिश ग्रामर की क्लास मतलब स्कूल की क्लास क्यों? आप देखो, आप चाहे कोई भी कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें आपको कंपोजिशन यानी एसे लिखना पड़ता है. तो आपको एसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास. तो क्लास को मिस मत कीजिएगा, और क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. चलते हैं आज फटाफट से अपनी क्लास की तरफ. तो आज जो समझना है आपको, बहुत इजी ट्रिक्स, किस तरह से आप अच्छे अच्छे ऐसे बड़े बड़े ऐसे 300 वर्ड्स के ऐसे कैसे लिख सकते हैं आसानी से, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो भी. सो कंपोजिशन फॉर क्लास 10, क्लास 10 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना? तो क्लास 10 से अगर आईसीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी है, तो ये होता क्यों है? आपके राइटिंग स्किल्स चेक करने के लिए, और आप अपने आइडियाज को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके लिए होता है, ठीक है? मेनली आपको ऐसे इसीलिए लिखने के लिए दिया जाता है, और आपकी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए. आप यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं क्या क्या? राइटिंग एसे, स्टोरीज, लेटर्स, और कुछ भी, कोई भी चीज आपको लिखना होता है. लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए? क्लैरिटी पर, क्रिएटिविटी पर, और ग्रामर पर. ये तीनों इंपॉर्टेंट है. रफली आपको 300 टू 350 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, वेदर यू आर राइटिंग फॉर क्लास 10 और वेदर यू आर राइटिंग फॉर योर कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी के लिए आपको लिखना पड़ता है ऐसे, एसएससी आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, आईएएस के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है? तो आपका जो एसे राइटिंग पैटर्न होता है, आपका जितना फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए भी लिखना पड़ता है. तो व्हाई दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी शॉर्ट ट्रिक्स टू राइट योर कंपोजिशन इन अ फाइनेस्ट वे, और ये बहुत आपको हेल्प भी करेगा. प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए ताकि आपकी फ्लुएंसी और कोहेरेंस बढ़ जाए. रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि यू आर राइटिंग 300 to 350 words रेगुलरली. नो नीड टू डू दैट. एटलीस्ट 4 lines स्टार्ट करो, ठीक है? 4 lines से स्टार्ट करो लिखना, जिसमें आपका ग्रामर हो जाएगा. अब कंपोजिशन कितने टाइप का होता है? देखो, कंपोजिशन जो होता है, नैरेटिव कंपोजिशन होता है. एक तो नैरेटिव का मतलब क्या होता है? नैरेट करना, स्टोरी बताना, यानी कि आप अपना कोई जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहे हैं, नैरेट कर रहे हैं, उसे नैरेट कंपोजिशन कहा जाता है. सो नैरेटिव राइटिंग टेल्स अ स्टोरी एंड यू डिस्क्राइब अ पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे टॉपिक है, अ मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, इस तरह का कोई भी टॉपिक आप कोई लीडर के लिए लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई आपका एक्सपीरियंस लिख रहे हो, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर नैरेटिव कंपोजिशन, ओके? सो फॉर एग्जाम्पल, आई वोक अप एक्साइटेड ऑन माई बर्थडे एंड अवेयर दैट दिस डे वुड चेंज माई लाइफ फॉर एवर एज आई वॉक्ड इन टू द लिविंग रूम आई सॉ, ठीक है? तो ये इस तरह का कुछ भी आप टॉपिक जो है वो नैरेटिव कंपोजिशन में आता है. देन आता है आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन. थोड़ा सा जब आप कंपिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन पे जाते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन तो ज्यादा से ज्यादा आने लगता है, ठीक है? बट इफ यू आर राइटिंग फॉर योर स्कूल बेसिस और अ स्मॉल कंपटीशन बेसिस, देन अवॉइड दिस, ओके? आर्ग्यूमेंटेटिव को अवॉइड कर देना अगर आपके पास ऑप्शन होगा नेरेट का, या फिर ऑप्शन होगा दूसरे किसी टाइप के कंपोजिशन का. बट अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आ ही गया है जिसमें आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से लिखना होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक टॉपिक दिया है, शुड स्कूल यूनिफॉर्म्स बी मैंडेटरी, ठीक है? क्या स्कूल यूनिफॉर्म मैंडेटरी है? तो आपको लिखते समय बहुत सारी चीजों से बचना पड़ता है कि भाई किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी के इमोशंस ना प्रॉब्लम में आ जाए. तो इस तरह से मोस्टली क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन को अवॉइड किया जाता है. बट यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू हैव ओनली वन चॉइस दैट यू हैव टू राइट. अगर एक ही चॉइस है और लिखना ही पड़ेगा, तो आपको आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग को, पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, और उससे सपोर्टिव जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो देनी है, ठीक है? एविडेंस देने होंगे, आर्ग्यूमेंट उससे रिलेट करते हुए देने होंगे. अपना पर्सनल व्यू आपको बहुत बचते बचाते देना है, लेकिन ज्यादातर आपको मतलब लिखित चीज की, भाई ये तो ऐसा उस स्कूल में लिखा था, ऐसा उस बुक में मेंशन था, ऐसा वो राइटर ने कहा है, इस तरह के एविडेंस देते हुए आपको अपना आर्ग्यूमेंटेटिव कंपोजिशन कंप्लीट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल यूनिफॉर्म शुड बी मैंडेटरी. शुड बी मैंडेटरी यहाँ पे देखो यूज किया गया, मस्ट बी वर्ड नहीं किया गया है. क्यों नहीं किया गया है? कि हमें आर्ग्यूमेंटेटिव में बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा. शुड बी मैंडेटरी बिकॉज दे प्रमोट इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स,
रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड फोस्टर स्कूल आइडेंटिटी। तो कारण ऐसे दिए हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। सबसे आसान डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में से एक होता है, क्योंकि आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कोई भी चीज। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस, योर फेवरेट पर्सन, योर फेवरेट लीडर, तो इस तरह के ज्यादातर आते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्रिएट्स अ विविड पिक्चर। एक बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने क्रिएट हो जाते हैं बाय डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, प्लेस और इवेंट, और हम डिटेल में इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डन वॉज पीसफुल विद वाइब्रेंट रोजेस ब्लूमिंग इन एवरी कॉर्नर एंड द जेंटल हम ऑफ बीज एडिंग टू द ट्रैंक्विल एटमोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको समझना है कि भाई टॉपिक हम टाइप तो समझ गए कि अच्छा ये टाइप का कंपोजिशन हो सकता है। अब समझना है कि हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो टॉपिक आपको दिया है, टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ठीक है। रीड द टॉपिक केयरफुली टू मेक श्योर यू फुल्ली अंडरस्टैंड द थीम। कई बार जब आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें थीम बहुत लंबा होता है, ठीक है, बहुत लंबा खिंचा हुआ थीम हो सकता है। तो उस थीम को पहले अच्छे से समझो, क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो कंपोजिशन है लिखना होगा। प्लान बिफोर राइटिंग, दिस इज इसेंशियल पार्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से। आप एक ना माइंड मैप बनाओगे, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको शॉर्ट पॉइंट्स में एक एक वर्ड की वर्ड जो है अपने रफ पेज में लिख लोगे, ठीक है। आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके पीछे एक रफ पेज होता है, तो वहां पर पॉइंट बना लो कि अच्छा ये इस टॉपिक को लेकर ये पॉइंट लिखा जा सकता है, ये पॉइंट हो सकता है, फिर उसको एलोबरेट कर लेना, ठीक है, तो काफी हेल्प हो जाती है। और जो आपका राइटिंग है वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, कि आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि 300 टू 350 अगर वर्ड्स लिखने हैं तो आपको A4 शीट अगर है तो फर्स्ट पेज हो गया, उसके पीछे वाला पेज हो गया और नेक्स्ट पेज का हाफ पेज हो गया, तो उसमें आपके 300 टू 350 वर्ड्स आराम से आ जाते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब बात है लॉजिकल ऑर्डर की, तो ये लॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? लॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ऐसा मत करना कि हेडिंग लिख दी, हेडिंग नहीं लिखना है आपको, उसका जो भी इंट्रोडक्शन है वो लिखना है, उसके बाद आपको उसकी बॉडी लिखनी है, उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस, डोंट राइट टू टाइटल। ये इंट्रोडक्शन, ये बॉडी है, ये कंक्लूजन है, ये आपको एज अ हेडिंग नहीं लिखना है, बट यू आर प्लानिंग योर कंपोजिशन लाइक दिस वे कि वो ऐसा ही आपका परफेक्ट वे में होना चाहिए, कि वो ऐसा फील हो कि आप पहले इंट्रो दे रहे हैं, देन यू आर राइटिंग अबाउट द बॉडी एंड देन यू आर कंक्लूडेड योर कंपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, बहुत जरूरी है। आप अपना कंपोजिशन को जो भी आपका हेडिंग दिया है, या तो आप कोई स्लोगन यूज कर लें, या किसी कोई महान लीडर ने कोई स्टेटमेंट दिया आपको याद आ रहा है वो स्टेटमेंट यूज कर लें, या कोई भी ऐसी अच्छा वर्ड, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कोई इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, कोई ऐसा कोटेशन है, कोई कोट कर सकते हो, तो उससे वो आपको बहुत हेल्प करता है। इंट्रोडक्शन में ही देना है लेकिन, ठीक है, जब स्टार्ट कर रहे हो, इससे ये पता चले कि आप जो लिखने वाले हो उसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है ना, वो पर डे का 40 to 50 कॉपी चेक करता है, तो आपको क्या लगता है कि वो पूरा 300 वर्ड्स पढ़ता है? नहीं, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखता है। अगर इंट्रोडक्शन आपका इफेक्टिव है तो उसके हिसाब से भी कई बार वो मार्क्स दे देता है, अदरवाइज वो थोड़ा आगे भी पढ़ेगा। देन आता है फोकस ऑन कोहेरेंस। फोकस ऑन कोहेरेंस का मतलब है कि आप सारा जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसे स्मूथली वे में लिखेंगे, जो बाद में बॉडी लिखेंगे, ठीक है, और लिंकिंग वर्ड लिखें कि ऐसा इसलिए हुआ, देयर फोर, मोर एवर, हाउ एवर, वॉट एवर, दीज, दोज, कि जो इंटरलिंकिंग वर्ड्स होते हैं ना, दैट इज रियली हेल्पफुल टू राइट योर कंपोजिशन। देन यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। तो ज्यादा आपको बहुत बड़े बड़े शब्द नहीं लिखने हैं, बहुत ऐसा नहीं कर देना है कि हाँ मैं तो एकदम सुपर वाला वर्ड लिखूंगा, ऐसे कुछ मत लिखना, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना होता है, आपको अवॉइड करना है कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, सिंपल शब्द यूज करो, इफेक्टिव वोकेबलरी यूज करो। आप इतनी इंग्लिश तो जरूर जानते हो कि आप अपने सिंपल वर्ड्स को यूज कर सकते हो। कीप योर सेंटेंस क्लियर एंड टू द पॉइंट, सिंपल, एकदम क्लियर अपने सेंटेंसेस को रखो। यहाँ आपको ध्यान रखना है
कि आप लोगों ने अपने ग्रामर पोर्शन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा था ना। तो जैसे आई डू दैट एंड दिस थिंग डज बाय मी, ठीक है, ये चीज मेरे द्वारा हुई है, ऐसा उसने द्वारा किया था। तो पैसिव वाले फॉर्म में जाना ही नहीं है, आपको सिंपल लिखना है आई एम गोइंग टू ईट दैट, मैं ये खाने जा रहा हूँ, आई वॉज स्टडिंग दिस, मैं पढ़ रहा था, द बुक वॉज रीड बाय मी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इस चीज से बचना है आपको। सो अवॉइड दिस पैसिव टोन, ठीक है, हमेशा मतलब सिंपल सेंटेंस में लिखोगे। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन बहुत मैटर करता है, जिस तरह से इंट्रोडक्शन मैटर करता है उसी तरह से कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने कंक्लूड करोगे स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन में, मतलब कुछ ऐसा जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइंस होंगी, कि आपने पूरा जो निचोड़ है आप कंक्लूड में डालोगे कि जो ऐसे आप लिख रहे हो। देन लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है आपका कंक्लूजन, सो दीज थिंग शुड बी रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब टिप्स एंड ट्रिक्स में कुछ और चीजें हैं इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रूफ रीड जरूर करो। प्रूफ रीड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे 350 शब्द दोबारा से पढ़ने बैठोगे, बिकॉज उतना टाइम नहीं होता, बट आप अपना ग्रामर जरूर चेक करना और कुछ कुछ स्पेलिंग एरर्स हैं उसको चेक करना। तो अगर आप एक दो वर्ड भी करेक्ट कर लेते हो तो वो भी मैटर करते हैं, ओके। सो प्रैक्टिस राइटिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक टू इनहांस क्रिएटिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पर डे कम से कम 4 लाइन जरूर लिखो पर डे, ठीक है। आप एक कोई भी ऐसे की बुक लो, इट डिपेंड्स कि वॉट एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो जस्ट बाय दोज बुक। और ऐसे की कोई भी बुक लेके जस्ट रीड ऑल द एसे पर डे, कुछ कुछ लाइन ऐड करो, रीड करो और 4 लाइन्स अपने आप से लिखो, तो वो आपको हेल्प करेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ कोई ऐसा मतलब बुक कहते हैं ना चमत्कार वाली चीज, जो बहुत बड़ी आगे हेल्प करने वाली है, काफी वर्ड्स और काफी आइडिया दे देगी, क्योंकि कंपोजिशन में आपको आइडिया की ही तो कमी होती है कि लिखना कैसे है। तो आपको 5W and 1H फार्मूला देखना है। 5W 1H फार्मूला, मैम ये क्या होता है? देखो, 5 तरह के W के क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने चाहिए और 1H तरह का। अब वो क्या है? सबसे पहले हु, ठीक है, हु व्हाट वेयर, ये सारी चीजें, ये आपको हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई अपने दिमाग में रखना है और इसके आंसर देने हैं आपको अपने कंपोजिशन में, ठीक है। और लास्ट में आपको हाउ ध्यान में रखना है। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे आप आइडेंटिफाई करो उन पीपल्स को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं इस टॉपिक पे, ठीक है, फिर आप क्या हो गया है या क्या होने वाला था या क्या हो चुका है, वॉट हैपेंड, इसको एक्सप्लेन करोगे। देन वेयर, ये कहाँ पर हुआ है, लोकेशन आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन, ये कब हुआ था, ठीक है, स्पेसिफाई करोगे उस टाइम को, और ये क्यों हुआ एक्सप्लेन करोगे, रीजन को, वाई को, और हाउ डिस्क्राइब करोगे हाउ थिंग्स अनफोल्ड। तो ये आप कैसे इस्तेमाल करोगे, समझ में आया? कंफ्यूजन हो रहा है? चलो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। एकदम सिंपल टॉपिक लेते हैं, अब फैमिली पिकनिक, स्कूल वाला टॉपिक लेते हैं। हु, कौन कौन इन्वॉल्व था पिकनिक में, कौन कौन गया था? माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर एंड आई, ठीक है, वेंट ऑन द पिकनिक। वॉट, क्या हुआ था वहां पर? तो हमने स्पेंड किया पूरा डे, इंजॉय किया, गेम्स खेले, शेयरिंग होममेड फूड, कहाँ पे किया, वेयर, तो हमने वेयर का आंसर देना है। वी वेंट टू अ ब्यूटिफुल पार्क बाय द लेक, हमने लोकेशन बताया, सराउंडेड बाय ट्रीज एंड ओपन फील्ड्स। कब हुआ था ये? व्हेन, ठीक है, व्हेन डिड हैपन, इट वाज ऑन सनी संडे मॉर्निंग, लास्ट वीकेंड हुआ था ये। व्हाई, क्यों ऐसा आपने प्लान बनाया था? बिकॉज माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल रूटीन एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम आउटडोर्स। हाउ, कैसे हुआ फिर आपका दिन, कैसा गया? वी हैड अ ग्रेट टाइम प्लेइंग बैडमिंटन, ईटिंग सैंडविचेस एंड वॉचिंग द सनसेट बाय द लेक, इट वॉज अ रिलैक्सिंग एंड जॉयफुल डे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, एकदम सिंपल वर्ड्स लिखे हुए हैं, सिंपल चीज लिखी है, फिर भी ये 50 to 60 word कवर कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, आप काउंट करके देख लो, ठीक है। तो 50 to 60 word अगर ये ऐसे काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो जब हम इसे एलोबरेट करेंगे इनसे रिलेट टॉपिक को, तो फिर कितना हम लोग अपना ऐसे को अच्छे से कंसाइंस कर पाएंगे, लिख पाएंगे। अब इसके अलावा कौन सी हेल्प होती है? आई होप आप लोगों को ये वाला चीज समझ में आया होगा, 5W and 1H फॉर्मूला, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आपका फॉर्मूला हर टाइप के ऐसे के लिए यूज होता है। इवन आई यूज दिस द सेम फॉर्मूला
in my competitive level examination essay, okay? And I got very good marks. तो please आप इस चीज को बिल्कुल avoid नहीं करना. School में तो अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत आसानी से आप अपना अच्छे से अच्छा score कर लोगे. अब बात आती है कि इसके अलावा क्या करेंगे मैम. चलो हमने कैसे भी करके 100 वर्ड्स का तो ये लिख लिया, बाकी के वर्ड्स कैसे लेंगे. तो यूज योर सेंसेस. सेंसेस, यस, आपकी सेंसरी एलिमेंट बहुत हेल्प करते हैं. हाउ योर सेंसरी एलिमेंट्स विल हेल्प यू. आपके पास सेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल साइट, विजुअल. आप डिस्क्राइब करो व्हाट यू सी टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर. आपने जो देखा उसको आप डिस्क्राइब करो. एग्जाम्पल, the sky was painted with shades of orange and pink as the sunset behind the mountains. आप मतलब जो आपने पिकनिक में देखा है या जो सीन आपके सामने घटित हुआ या हुआ था, आप उसको अपना साइट विजुअलाइजेशन करते उसको एक सेंटेंस लिख लो, तो आपके सेंसेस यहाँ पर हेल्प करेंगे. देन साउंड और ऑडिटरी कैसे हेल्प करेगा. मेंशन करो उन साउंड्स के बारे में जो सीन के बारे में था. इससे क्या होगा, आपका जो सीन एटमोस्फेयर का आप जब सामने रखोगे तो आपका जो कंपोजिशन है वो बहुत ही लाइवली नजर आता है. फॉर एग्जाम्पल, द रस्लिंग ऑफ लीव्स एंड द डिस्टेंट चीपिंग ऑफ बर्ड्स क्रिएटेड अ पीसफुल एटमोस्फेयर. जब आप ऐसा कुछ लिखते हो ना तो आपका जो कंपोजिशन है वो एकदम जीवंत हो जाता है. ठीक है, जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब हमारी सामने घटनाएं घट रही है. ऐसा हमें क्यों लगता है, बिकॉज वो जो राइटर है उसने अपने सेंसरी एलिमेंट्स का भरपूर तरह से इस्तेमाल किया है, तो आपको भी करना है. फिर आता है टच. टच आपका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज टेक्सचर और टेम्परेचर टू एडेप्ट टू द सीन. आप उस सीन के बारे में आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, दैट कूल ब्रीज ब्रश्ड अगेंस्ट माई स्किन मेकिंग मी शिवर स्लाइटली. आप ऐसे लिख सकते हो, या लिख सकते हो दैट डे वॉज सो हॉट दैट माई स्किन वॉज बर्निंग ऑन द सेम डे और द सेम मोमेंट. तो हम ये फील करा रहे हैं कि उस दिन बड़ी गर्मी थी, बहुत ज्यादा हॉट था. और हम उल्टा ये भी दिखा सकते हैं, देयर वाज रेनिंग, आई वाज वेट ऑल थ्रू, माय स्किन वाज गॉट ब्रीज, इस तरह से गॉट चिल्ड. ठीक है, तो हमारा जो टच है यानी टेक्टाइल है हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है. देन टेस्ट और गस्टेटरी, ये कहाँ पे डिस्क्राइब करोगे. आप कोई भी खाना आपने खाया या कोई भी चीज आपने चखी, कुछ भी आपने ड्रिंक शेयर किया है, तो उसके बारे में भी आप एक सेंटेंस दोगे. जैसे द लेमनेड वॉज टैंगी एंड रिफ्रेशिंग, अ परफेक्ट मैच फॉर द हॉट आफ्टरनून. तो अब उसके बाद लास्ट रह जाता है आपका स्मेल, ऑल्फैक्टरी. स्मेल कैसे, जैसे एट सेंस टू इनहांस द इन्वायरमेंट, द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन फिल द एयर एज वी वॉक थ्रू द गार्डन. जैसे जैसे हम गार्डन की तरफ बढ़ रहे थे तो जैस्मिन की खुशबू जो है चारों तरफ फैली हुई थी. सो इस तरह से आपका सेंसेस और आपका जो डब्ल्यू वाला फॉर्मूला है ये आपको बहुत ही अच्छे से अगर आप लिखते जाएंगे ना तो पता नहीं कितना ही लिख देंगे, इतनी ही आपकी हेल्प हो जाती है. अब यहां तक तो हमने ये समझ लिया. आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंसेस का. एज आई स्टेप्ड इनटू द पार्क द ब्राइट ग्रीन लीव्स स्पार्कल्ड अंडर द सनलाइट. अब देखो मैंने क्या देखा, मैंने ग्रीन लीव्स देखी जो चमक रही थी. द एयर वॉज फिल्ड विद द स्वीट सेंट ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, यहां मैंने स्मेल किया. ठीक है, while the distant laughter of children playing added life to the scene, yahan sound mujhe pata chali. I sat on the soft grass feeling the gentle texture beneath my fingers touch, yahan touch ho gaya, and sipped on a cold glass of lemonade, its zesty flavor making me up taste. ab yahan par sari cheeze complete ho gayi mere senses ki bhi, aur main yahan pe w ka use kar lungi. to socho ye agar ye 60 words hai, W वाला यूज किया तो और मेरे पास 70-80 वर्ड्स हो गया. फिर H मैंने यूज किया तो मेरे पास और 100 वर्ड्स हो गया. और कोई भी मैंने स्लोगन यूज किया और कुछ और एलोबरेट किया तो मेरा ऐसे कंप्लीट हो जाता है. अब हमने ये भी देखना है कि भाई हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है. अभी तक तो हमने ये देखा कि हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, बट अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है. जैसे कि आपको रिपीटेशन अवॉइड करना है. किसी भी तरह का सेंटेंस को रिपीट नहीं करोगे, कोई भी वर्ड को, कोई भी आइडिया को रिपीट नहीं करना है अननेसेसरली, अगर जरूरत ना पड़े तो. ठीक है, अवॉइड लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग सेंटेंस. मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें एक्टिव सेंटेंसेस ज्यादा लिखने हैं, पैसिव वाले पैटर्न मत लिखो. मेरे द्वारा उसको ये मदद की गई थी. I helped to Tom. सिंपल लिखो. Help was done by me. ऐसा वैसा कोई सेंटेंस आप लोग नहीं लिखोगे. आप
ये मत सोचना कि लंबे सेंटेंस लिखकर या लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस लिखकर हम अच्छे मार्क्स लेते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। सो अवॉइड लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग सेंटेंस, देन अवॉइड गोइंग ऑफ टॉपिक। आप अपने टॉपिक पे ही रहिए, आप जो बात कर रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेट करना चाहिए, ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं कानपुर की और पहुंच गए हैं आप कन्याकुमारी, ठीक है। तो जस्ट अवॉइड गोइंग ऑफ टॉपिक, अवॉइड ओवर यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। कोई भी ऐसा शब्द जो बहुत भारी भरकम शब्द है, टफ वर्ड है, आपने एक बार सुन लिया उसका मीनिंग आपने पढ़ लिया और आप सोच रहे हो कि मैं उसी वर्ड को बार बार यूज करूं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी से आपको कोई फायदा नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज यूज करो। यूज एज सिंपल एज लैंग्वेज दैट मेक्स योर कंपोजिशन वेरी इफेक्टिव, ओके। सो अवॉइड ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू गिव योर इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं कोई भी एग्जाम के बाद, तो आपका ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो ध्यान से, ठीक है। अवॉइड क्लिचेस, ट्राई टू अवॉइड ओवर यूज फ्रेजेस और एक्सप्रेशन दैट लैक ओरिजिनलिटी। इससे क्या होता है कि आपको ना बनावटी वाली बातें बिल्कुल नहीं लानी है, ओके। अवॉइड लैक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। डोंट राइट अबाउट अ क्लियर प्लान। सो जस्ट कोई ऐसा फ्रेज मत लिखो जो कि क्लिचेस पैदा करे, ओरिजिनलिटी में रहिए, वो ज्यादा बेटर है। अवॉइड लैक ऑफ स्ट्रक्चर, डोंट राइट विदाउट अ क्लियर प्लान, यानी कि आपका मतलब जो भी आपको लिखना है आपको ये जरूर जरूर ध्यान रखना है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन की तरह दो तीन लाइनें लिखनी है, फिर आपको मेन बॉडी है जिसमें आपको 5 से 6 लाइन बॉडी में, फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा, लेकिन 300 वर्ड्स की बात कर रही हूँ तो इंट्रोडक्शन का पहला एक पूरा पैराग्राफ आएगा, ठीक है, जिसमें 5 to 6 लाइन्स होनी चाहिए एटलीस्ट। फिर बॉडी आएगी जिसमें पूरा सिनेरियो है एंड देन कंक्लूजन। तो ये आपको इस तरह मेथड में ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आप ब्लैंक होकर बस आप लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि आप कहाँ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप कहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो सब नहीं करना है। देन अवॉइड लैक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद इनफॉर्मल लैंग्वेज को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। इनफॉर्मल लैंग्वेज जैसे कोई स्लैंग है, कोई ऐसा रफ वर्ड है, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना है। आप बहुत सिंपल और फॉर्मल शब्दों को यूज कीजिए। डोंट यूज एनी काइंड ऑफ स्लैंग और ओवरली कैजुअल एक्सप्रेशन, ठीक है। कैजुअल में रहना है, लाइवली सीन्स देने, लाइवली बातें भी करनी है, बट ऐसा नहीं करना है कि एकदम अरे यार तुम क्या कर रहे थे, ऐसे वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को कंपोजिशन के बारे में काफी क्लियर आइडियाज मिल गए होंगे और आपको ये वीडियो हेल्प भी करेगा। अगर ये वीडियो आपकी हेल्प करता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या होना चाहिए ग्रामर के लिए।